बजट पर रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि रेलवे के लिए बजट बहुत अच्छा है। साथ ही ये भी कहा कि रेलवे के लिए बजट में 1,24,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये आत्मनिर्भर भारत का बजट है। हमारे साथ केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जी मौजूद हैं। दर्शना जी, बतौर बजट एक को किस तरीके से आप देखती हैं, और आप चूंकि रेल मंत्री भी हैं। सबसे पहले तो निर्मला जी ने जो आज बजट पेश किया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी के नेतृत्व में, मैं उनको अभिनंदन देती हूं। जिस तरह से लोगों के सपने को साकार करते हुए आत्मनिर्भर भारत की और आगे बढ़ते हुए जीडीपी ग्रोथ के साथ में जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वहां उन्होंने बहुत अच्छे से उनके लिए बजट एलोकेट किया है। सबसे पहले रेलवे में 1,24,000 करोड़ का जो बजट है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में वंदे भारत ट्रेन, जो भारत में बनने वाली ट्रेन, जो काफी सारे लोगों इसमें जुड़ जाएंगे तो वो बहुत अच्छा रेल के लिए है, लॉजिस्टिक यूज के लिए, फ्रेट के लिए, इसके लिए भी हम लोगों ने जो प्लान किए थे पूरे साल में कि 2 साल कोविड के बाद में आगे वाले 3 साल में कैसे इकोनॉमी ग्रो करके हम रेल को, जो लाइफ लाइन है हमारी, उसको आगे ले जाएंगे, तो ये सपने लोगों को पूरा करने के लिए निर्मला जी ने बहुत अच्छा बजट दिया है। मैम, जो स्टेशनों के बीच वन स्टॉप सेंटर की बात हुई, वो क्या है? वहाँ जहाँ पे भी जो प्रोडक्ट होती है वो रेल के माध्यम से जाए, उसका ज़्यादा यूज़ हो और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के हिसाब से उसका रेलवे यूज़ करे, इसी के बारे में ये सोचा गया। जैसे मैं सूरत से हूँ, बहुत सारे टेक्सटाइल रिलेटेड जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रेल से होता है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती है जहाँ से, जैसे ONGC से हम लोग ये फर्टिलाइजर बनाते हैं, स्टील की प्रोडक्ट होती है, सीमेंट की प्रोडक्ट होती है, कृषि की प्रोडक्ट होती है, फ्रूट की होती है। जितना लॉजिस्टिक यूज बढ़ाएंगे इतना रेल को फायदा हो। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।